जी शफाक भाई, पप्पा भाई मैंने उधर भी देखी कुछ चीज। आइए जल्दी आओ, आइए आइए आइए। जी सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से और आफ्ताब भाई की तरफ़ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और जितने भी हमारे भाई हमारे चैनल को देख रहे हैं, हम उनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी सपोर्ट का जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन, इसके बाद जो आपने हमें कमेंट किए उसमें एक भाई ने कहा कि आप ना कोई रात की वीडियो बनाए, रात की यानी कि तकरीबन 2 बजे के बाद की वीडियो बनाए। तो हम आए हैं रात के वक्त इधर एक बाग में, तो इस बाग में बताया जाता है कि खौफनाक जो इधर है कोई जिन्नात वगैरह देखे, अनदेखे से देखे हैं लोगों ने, कोई साया वगैरह देखते हैं और गायब हो जाते हैं। तो हम आए इस वक्त, मैं और आफ्ताब भाई आए हैं इस बाग में। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे के काफ़ी यानी कि दरख्त हैं छोटे छोटे। तो कहा जाता है इस बाग के बारे में कि इधर रात के वक्त शाम के वक्त कोई भी नहीं आता। उसकी वजह ये है कि ये काफ़ी बड़ा काफ़ी पुराना ये बाग है। तो जैसे ही शाम होती है लोग इधर को आना बंद हो जाते हैं, आते नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आफ्ताब भाई मेरे साथ हैं, तो आफ्ताब भाई आपने जो पहले किसी से सुना था कि इधर जो शाम के वक़्त कोई साया वगैरह नज़र आया है, तो उसकी बात सच्ची थी ना वो उस आदमी की? जी उसकी बात सच्ची थी उस आदमी की, और उन्होंने कहा था कि इधर से यहाँ चले जाओ। एक पीर साहब थे तो उन्होंने जनाब वगैरह ने उनको बताया था कि ये हमारा लोगों को पैगाम दे देना, क्योंकि वो इनके लिए बहुत ज़्यादा रखते थे। तो उन्होंने कहा था कि जो हमें इधर तंग करेगा तो हम उनका गर्दन उसकी तोड़ देंगे। ऐसे इशफाक भाई जी चंद दिन पहले की बात है कि एक आदमी इधर लकड़ियाँ वगैरह उतार रहा था, सूखी लकड़ी नहीं होती दरख्तों पर, वो उतार रहा था अपने घर के लिए। तो यानी कि इससे भी थोड़ा सा बड़ा दरख्त है वो, इस साइड पर है। तो कहा जाता है कि वो शाम के वक्त उतार रहा था तो वो उसको ऐसा धक्का लगा, नीचे गिरा और उसका यानी कि कुछ चोट वगैरह लगी है बाजू पे, टांग पे काफ़ी ज़्यादा लगी है। तो उस डर की वजह से इधर कोई लकड़ी वगैरह भी नहीं तोड़ने के लिए आता। अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं कि ये बाग भी बहुत पुराना है। तो तकरीबन इस बाग को हो गए हैं 50 साल से ऊपर हो गया। आशीष बाग भाई जी ये बाग काफ़ी पुराना है, देखने में ऐसी लग रहा है कि आफ्ताब भाई के इधर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें अपनी एहतियात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। देखने में भी अजीबोगरीब से है, काफ़ी वीरान जगह पे है, काफ़ी दूर है दूसरे इलाकों से। तो इस जगह पर हम पहली दफ़ा आए हैं, पहले कभी नहीं आए इस जगह पर। अच्छा अशफाक भाई, आपने ये नोटिस किया होगा कि हम जैसे आगे आगे जा रहे हैं और ज़मीन नीचे दस्ती जा रही है, कि इस ज़मीन का लेवल ऊपर है और इस ज़मीन का लेवल नीचे है। एक साइड ऊँची है, एक साइड नहीं है इसकी। ये भी अजीब सा कोई मसला है इस जगह का। आवाज़ वो देखा आपने? तो आफ्ताब भाई ज़रा अपना ना ख्याल कीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, अजीब सी ना घुटन सी हो रही है, अजीब सी जैसे लग रहा है कोई चीज़ है इधर। आवाज़ वगैरह आई इशफाक भाई आपको? जी आफ्ताब भाई ऐसे लग रहा है इस तरफ। तो आफ्ताब भाई मुझे ना कुछ महसूस हो रहा है, तो चलते हम इस तरफ।
ये देखो इस तरफ, इस तरफ आफ्ताब भाई, आफ्ताब भाई इस तरफ, इस तरफ इधर, इस तरफ है ना सर आपको। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, वाकई यार आप ये देख सकते हैं ये क्या चीज़ है। और मैं इसके पीछे से तो पीछे से शफाक भाई आप इस तरफ, आप इस तरफ जी जी शौक भाई पीछा करना, पीछा करना। क्या बात है शौक भाई, वाकई यार इस बाग में वाकई जिनात हैं, इस बाग में वाकई अजीब सी चीजें आफ्ताब भाई। जी जी शौक भाई तो ऐसी बात है, इसके पीछे पीछे चलते ये क्या कर रहा है, इस तरफ आ जाए सामना, सामने से सामने से ये देखें, सुन रहे हैं मेरा आफ्ताब भाई इस तरफ से अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शफाक भाई इसका तो अजीब सा चेहरा ही है, बहुत अजीब हो गई है, बहुत अजीब हो गई, बहुत अजीब हो गई है। अल्लाह अकबर आफ्ताब भाई मेरा ख्याल इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। ओह अल्लाह अकबर, शफाक भाई, शफाक भाई पीछे मेरे कुछ चीज थी गायब हो गई है, गायब हो गई। शफाक भाई आपने देखा? जी शफाक भाई आफ्ताब भाई इधर ही गायब हुई है, इसी तरफ आई, इसी दरख्तों के पीछे। जी गाइस तो आप ये देख सकते हैं आफ्ताब भाई इस तरफ आ, मुझे नजर आई, वो देखो, वो देखो, वो देखो आफ्ताब भाई, चलते आराम से, आराम से, आराम से। अस्तगफिरुल्लाह, देखा नाज़रीन आज हमने अपनी आंखों से ये देख लिया है। जी शफाक भाई वाकई यार ये तो वाकई इस बाग में ऐसी अजीब सी चीजें हैं आफ्ताब भाई, तो मुझे इस तरफ भी नजर आ रही है, इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं आफ्ताब भाई, इस तरफ। शफाक भाई जी जी आपके पीछे कुछ है जी शफाक भाई? हाँ जी इधर कुछ है, इधर है कुछ यार, इधर भी। ओह शफाक भाई वो गायब हो गया, ये गायब हो गया, वो गायब हो गया, इधर था शफाक भाई वो गायब हो गया, इधर था इस जगह पे। उफ अल्लाह गायब हो गया यार आफ्ताब भाई, शफाक भाई ये तो गायब हो गया, आपने देखा शफाक भाई? जी जी मुझे, मैंने आपको बोला था ना, मैंने आपको सही बोला था कि इधर वाकई हकीकत में जिनात हैं, ऐसी चीज़ें हैं इस जगह पे, जैसे मैंने आपको बोला था आफ्ताब भाई कि ऐसी जगहों पर चीज़ें होती हैं। जी जी ये देखें, हालांकि कोई चीज़ भी नहीं है, इस तरफ आ जाए। तो आज हम ढूंढेंगे इनको। शफाक भाई टॉर्च को क्या होने लग गए? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शफाक भाई टॉर्च को क्या होने लग गया? ओ भाई इधर ऐसी चीजों की हरकतें शुरू हो जाती हैं, कुछ भी बंद हो सकता है, कुछ भी बंद हो सकता है। ये देखें, देखें ये हमारी लाइट को कोई मसला बन गया है। तो शफाक भाई जी जी रुकिएगा, कुछ है यार है?
लाइट्स शौक भाई खुद ब खुद ही है। जी शौक भाई, अफ्ताब भाई मैंने उधर भी देखी कुछ चीज आई है, जल्दी आइए आइए आइए। वो देखिए उस तरफ लाइट चल रही है, कैसी अजीब सी, उस तरफ इस तरफ हाँ जी उस तरफ आइए 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 इस तरफ आइए चलते हैं। किधर से शफाक भाई रास्ता भूल गए हैं? मेरा ख्याल है यार इधर देखिए, इसी जगह पे मैंने देखी दोबारा, इसी जगह पे आफ्ताब भाई बहुत खौफनाक थी यार, बहुत खौफनाक थी वो, बहुत डरावनी। आप ये आवाज सुन सकते हैं, क्या हुआ शफाक भाई आप ठीक तो हैं? सांप था काफी बड़ा सांप, सांप तो देखा यार, ये काफी बड़ा बाग है, बहुत बड़ा बाग है, काफी बड़ा। हम जाते हैं एक रास्ते, वो रास्ता ही हमें भूल जाते हैं, कहीं और से कहीं कहीं और चले जाते हैं। अफ्ताब भाई जी शफाक भाई देखिए टाइम काफ़ी हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन आधी रात का वक़्त है, कम से कम आधी रात हो। शफाक भाई इधर आइएगा जल्दी, इधर जल्दी 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 इधर आइएगा। जी 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 आगे ना जाइए, आगे ना जाइए शफाक भाई, आगे ना जाइए। आप ये देखिएगा, वाकई कुछ है यार, ये देख सकते हैं आप नाज़रीन, ये कोई अजीब सी चीज़ हमें नज़र आ रही है, आप ये देख सकते हैं। बहुत कुछ है यार, ये जगहों पर बहुत कुछ है आफ्ताब भाई, आप सोच भी नहीं सकते, सोच जितने भी आप सोच रहे हैं काम में कि ऐसी जगहों पर क्या क्या हो सकता है। वो क्या यार ऐसे लग रहा है ऊपर की चीज है। जी मुझे भी अच्छा लग रहा है, और दूर दराज कोई भी नहीं है, कुछ खुदा न खास्ता हमें इमरजेंसी पड़ जाए तो कोई भी नहीं है इधर दूर दूर से, ऐसी है शफाक भाई। जी बिल्कुल ऐसी ऐसी कोई सिचुएशन है कि हमें कोई मसला बन जाए तो हमें कोई चीज़ भी इधर से मिलेगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। हम तो हम आपके लिए अपनी जान लगाकर वीडियो बनाते हैं, ऐसा कोई फेक वगैरह नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। इसी जगह पे यार आफ्ताब भाई हमने देखी है वो लंबे लंबे बालों वाली हमला किया है, पर बचत हो गई है, फिर गायब हो गई, इंशाल्लाह पकड़ेंगे उसको, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उनको पकड़ूंगा और ज़रूर पकड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बस शफाक भाई मैं भी आपके साथ हूँ, मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा कि मैंने वो जो भी हमें नज़र आई है वो उसको मैं ज़रूर पकड़ूंगा, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप भी हमारा साथ दीजिएगा।
तो इंशाल्लाह हम जिसको ढूंढेंगे पकड़ेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द पकड़ूंगा। जैसे ही हमको नज़र आई, हालांकि हमने पूरा बाग छान मारा है, काफ़ी देर हो चुकी है हमें, काफ़ी देर पूरा बाग छान मारा हमने, तो नाज़रीन आपसे अब हम इजाज़त लेते हैं, क्योंकि हमने फ़िलहाल तो पूरा बाग छान मारा, मैंने हमारी टीम ने आफ्ताब भाई ने, हमें वो अजीबोगरीब सी चीज़ नहीं मिली है। तो जैसे ही हम दूसरी दफ़ा अचानक आएंगे इधर, किसी को मालूम नहीं होगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगा, आपको हमारा वादा है, इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर पकड़ूंगा, जैसे भी होगा जिस तरह भी होगा, तो हम इंशाल्लाह ताला उसको ज़रूर पकड़ेंगे और जगह को क्लियर करेंगे, क्योंकि इसके जो रहने वाले लोग आते जाते हैं घास वगैरह के लिए, लकड़ियों के लिए, वो बहुत परेशान हैं, वो काफ़ी पीछे खड़े हैं, डर के मरे हमारे साथ नहीं आए। तो इस वक्त हमें इजाज़त दें, मुझे और आफ्ताब भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को मैं पकड़ूंगा, आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसको पकड़ लिया है, और जो भी होगा इंशाल्लाह हम उसको जैसे भी होगा हम उसको पकड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।